राम राम जी, सत श्री अकाल सभी भाइयों को, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहलू डेयरी फार्म सिधाणी में। जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। मैं आज की छोटी सी वीडियो लेके आए हैं आप सब भाइयों के लिए। पहले आपको पशुधन दिखा दें भाई, ये पशुधन है अपने पास और एक कटड़ा है। तो इसके बारे में भाई जानकारी देंगे। अपन ये लेके आए थे, इसको लगभग 3 साल हो गए भाई ले को, और हवा बहुत अच्छी है इसकी भाई। आपां किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहे, लेकिन जो अपने पास चीज़ है, जो यूज की है, अच्छी लगी तो भाई उसकी वीडियो आप शेयर कर दें। बहुत ज़्यादा अब आया भाई, मैं लेके आया था लगभग हो गए 3 साल, 6,500 का लेके आया था इसको, और रतिया से लेके आया था भाई। ये उनका भाइयों का नंबर है रतिया वालों का। अब तो थोड़ा बहुत और महंगा हो गया होगा भाई। और इसके अंदर जो मोटर लगी होती है भाई, ये है पता नहीं कैं एचपी की होती है, वो ध्यान नहीं। अब ये टुल्लू पंप वाली मोटर बोल देते हैं, और बहुत सारे भाई भाई टुल्लू पंप वाली, जो टुल्लू पंप की मोटर होती है तो उसका ये बना लेते हैं। लेकिन भाई ये मोटर होती है जो स्पेशल बंदी होती है, ये जल्दी से मचती नहीं है। लेकिन जो टुल्लू पंप वाली मोटर होती है वो थोड़ी देर चलती है, उसके बाद भाई वो ख़राब हो जाती है, मान लो गर्म होकर मच जाती है वो। तो मेरे गांव में भी एक दो भाई ने बना रखा था, तो उन्होंने ये पक्खा आके देखा, बोले भाई ये मोटर जल्दी मच जाती है। तो मैंने कहा अभी टुल्लू पंप वाली मोटर से बनाया था भाई। हाँ, तो वो मोटर अलग तरीके से बंधी होती है भाई, और जो ये स्पेशल पक्खे वाली मोटर होती है ये अलग तरीके से बंधी होती है। और हवा बहुत ज़्यादा है इसकी, एक बार चलाइए रो में आपको दिखा दें भाई। ये देख सकते हो भाई हवा, ये भैया अब तो मतलब गर्मी कम है भाई, बाहर ठंडी का ही मौसम है अब तो। आगे आगे जब गर्मी हो जाती है भाई तो यहाँ पर लगा देते हैं बुर्जी के साथ, और ये चारों भैंसों पे अपने आराम से हवा मारती रहती है भाई। हवा बहुत दूर लग जाती है उधर, जैसे वो आगे आप देख सकते हो साइकिल खड़ा है, तो उस लगा हवा जाती है भाई वहाँ, चाहे आराम से खाट भी डाले तो हवा लगती रहती है। और ये कई मॉडलों में आता है भाई, जैसे इसके 3 टांग हैं और 4 टांग वाला भी आता है, और ये जो मोटर है ये बड़ी छोटी भी आती है भाई, अलग अलग मॉडल हैं इसके। तो अच्छा लगा भाई, मैं 3 सालों के यूज़ कर रहा हूँ, तो सोचा चलो आप सब भाइयों को भी बता दें। पहले मेरे पास जो बड़ी मोटर होती है भाई, जैसे टोका वगैरह पे कुटाई वाली मशीन पर लगाने की, उसका बना रखा था पक्खा, वो साइड में पड़ा है। तो वो तो भाई बिजली का बिल था बहुत ज़्यादा आया करता था, क्योंकि वो बड़ी मोटर हो गई थी। तो उसके बाद भाई ये लेके आया, इसका बिजली का बिल का भी भाई फ़र्क है, और हवा भी बहुत ज़्यादा है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना जी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद, सभी भाइयों को राम राम।